नमस्कार, मैं गीतेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन सन 1975 में भारत ने आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया था। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। इस दिन को प्रतिवर्ष भारत द्वारा उपग्रह क्षेत्र में प्रवेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह लॉन्च होने के 17 साल के बाद 11 फरवरी 1992 को पृथ्वी पर वापस आया। भारत का पहला उपग्रह देश के मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने बीजगणित का प्रयोग किया था। इसके अलावा उन्होंने पाई का सही मान 3.1416 निकाला था। 360 किलोग्राम वजनी आर्यभट्ट को सोवियत संघ के इंटर कॉस्मास रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। आज के दिन प्रतिवर्ष विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। यानी लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह मस्तिष्क को जोड़कर शरीर का सबसे जटिल और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह आपके शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जो भी खाते और पीते अथवा दवाइयां लेते हैं, ये सभी यत से होकर गुजरती हैं। आप यत के बिना जीवित नहीं रह सकते। यह एक ऐसा अंग है कि यदि आप अपने लीवर की उचित तरीके से देखभाल नहीं करते हैं तो उसे आसानी से नुकसान पहुँच सकता है। आज के दिन सन 1775 में अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध 1775 से 1783 तक चला। इस युद्ध को अमेरिकी राज्य में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है। यह ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों के बीच एक सैन्य संघर्ष था, जिससे वे उपनिवेश स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बने। शुरुआती लड़ाई उत्तर अमेरिकी महाद्वीप पर हुई। इस युद्ध ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के राज्यों की भावी स्वतंत्रता के लिए पद्धति तैयार कर दी। आज के दिन सन 1972 में बांग्लादेश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल देश 73 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है, जिसमें सारे राज्य अंग्रेजी राज्य का हिस्सा थे। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। आज के दिन 1882 में प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का निधन हुआ था। 12 फरवरी 1809 को जन्मे चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका शोध आंशिक रूप से 1831 से 1836 में HMS बिगल पर उनकी समुद्र यात्रा के संग्रहों पर आधारित डार्विन महान वैज्ञानिक थे। आज जो भी हम सजीव चीजें देखते हैं उनकी उत्पत्ति तथा विविधता को समझने के लिए उनका विकास का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन चुका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्द कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 19 अप्रैल दिन शुक्रवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है सुख ऐश्वर्य। मेष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 34%। नौकरी के क्षेत्र में बदनामी हो सकती है। आपको शत्रुओं के आतंक से छुटकारा मिलेगा। मन शांत रहेगा। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला तथा निषेध रंग लाल व सिंदूरी। वृष, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 79%। सितारे आपके साथ हैं। आपको पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपने पराक्रम से समस्याओं को नियंत्रण कर लेने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट, मल्टी कलर तथा निषेध रंग गुलाबी व बसंती। मिथुन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 71%। संतान से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति संभव। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हरा, सफेद तथा निषेध रंग पीला व काला। कर्क, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 77%। भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे। अधिक व्यय के कारण मन खिन्न रहने के योग हैं। शुभ रंग हर प्रकार के सफेद तथा निषेध रंग काला व स्लेटी। सिंह, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 48%। विदेश के लिए इन दिनों में उत्तम योग है। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूर्ण होने से मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग लाल। कन्या, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 78%। करियर या कारोबार या फिर नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते हुए कार्य क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखनी होगी। भाग्य में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग हरा, सफेद तथा निषेध रंग पीला व लाल।
तुला आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 88%। परिवार में आंतरिक कलह खत्म हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलताएं बने रहने के योग हैं। शुभ रंग अल्ट्रा वाइट मल्टी कलर तथा निषेध रंग पीला व लाल। वृश्चिक, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 45%। निवेश शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग सिंदूरी। धनु, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 49%। बचत पर ज्यादा ध्यान रहने वाला है। जीवन साथी से तनाव उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग मस्टर्ड काला। मकर, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 80%। उद्यमशीलता एवं पहल करने की क्षमता बढ़ेगी। उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल पीला। कुंभ, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 81%। परिवार के साथ समय बिताएंगे। संबंधों में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। जमीन जायदाद से संबंधित मामले भी सुलझने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग लाल व पीला। मीन, आपके सुख ऐश्वर्य के लिए भाग्य 46%। आपके कुछ कम दोस्तों और भाइयों की मदद से पूरे हो जाएंगे। आप स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़े पदोन्नति के योग हैं। शुभ रंग सफेद तथा निषेध रंग पीला। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 10:36 से दोपहर 12:21 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 01212666888 या फिर 09837060046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।